मऊ आयमा के स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज में पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कॉलेज छोड़ चुके पुरातन छात्रों ने हिस्सा लेकर अपने छात्र जीवन की यादों को साझा किया। सम्मेलन में कॉलेज से शिक्षा ग्रहण कर चुके पूर्व छात्रों ने अपना परिचय देते हुए अपने छात्र जीवन से जुड़े संस्मरणों को शेयर किया, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों का जिक्र किया। मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानाचार्य और प्रबंधक मोहम्मद यूनुस ने कहा कि इस आयोजन से पुरातन छात्रों की बहुत सारी यादें ताज़ा हुई हैं। कार्यक्रम संयोजन में शामिल सुनील मौर्य, संतोष मौर्य, मोहम्मद इरफान, दिलीप केसरवानी आदि ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य है कि पुरातन छात्र आपस में परिचित हों और एक दूसरे के अनुभवों से लाभान्वित हों। इस दौरान कॉलेज के शिक्षकों एवं पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। प्रधानाध्यापक राकेश यादव, अध्यापक मोहम्मद मेराज, मोहम्मद असलम, मोहम्मद कैसर खां, जगदीश सिंह, अरविंद सर, राम नरेश, कृष्णदेव यादव, मोहम्मद अशफाक समेत अन्य वर्तमान और रिटायर्ड शिक्षकों को वस्त्रम और छोटी सी भेंट मुझे लगता है कि इरफान की तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। आप ये अवसर बड़े गर्व की बात है कि ऐसा सुनहरा अवसर आप लोगों ने हम सब के लिए एक आशाजनक कदम है और भविष्य में हम आपसे उम्मीद रखेंगे इस तरह अपने आने वाले भावी पीढ़ियों को भी सचेत करें कि वो भी अध्यापक का सम्मान करें और अध्यापक से कुछ हमेशा पाते रहें, क्योंकि अध्यापक हमेशा आपके जैसे एक सीनियर अध्यापक पाता है। इसके लिए सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते हुए हिचकिचाहट महसूस हो रही है ये अपने गुरुजन के साथ सामने, ये बात बिल्कुल सही है। एक नया संदेश दिया है, उनकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूं वो कम है, क्योंकि आज वो मौका, वह अवसर आपने दिया है जो एक नए समाज का निर्माण कर। प्रबंधक सर द्वारा आपके साथ स्वागत करें। छात्र और आए हुए अन्य अतिथिगण और अध्यापक बन, बड़ी आज प्रसन्नता हो रही है कि हम अपने इसी कॉलेज के, भी ऐसा युग आया कि 2007 में आप सब यहाँ स्वागत अध्यापक करें, ये वर्तमान स्थिति की है। अभी ये दिन नहीं है तो कुछ कहा जा सकता आज इस शुभ अवसर पर। मैं सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूँ और जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं पुराने अध्यापकों को बुला करके एक बार कम से कम मिले और उनसे सहयोग की अपेक्षा करें। हम सब तो हर समय जो है अपने छात्रों के लिए तत्पर रह करके आगे बढ़े और आने वाली पीढ़ी पर जो है अपना नाम पूरा करें ताकि उदाहरण बने। आज ऐसे हमारे पूरा